तो फर्स्ट टाइम आई हूँ कालावाली बंगू गांव में हम लोग, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। देखो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो जननायक जनता पार्टी को रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। देखो जींद बाई इलेक्शन जो है उसमें हम तो अपने आप को विनर ही मान रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो वोट खरीद के और जो जीते इलेक्शन, मैं तो सोच रही हूँ शायद हम लोग वो इलेक्शन जीते हैं, सेकेंड नंबर पर रहे हैं, पर बहुत अच्छे वोट आए, लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा। अभी मुझे तो इस चीज़ का मालूम नहीं है कि हम किससे गठबंधन कर रहे हैं, जब होएगा तब आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा। मीडिया आम आदमी पार्टी के साथ चल रही है वो, देखो जब होएगा तब आप लोगों के सामने आ जाएगा सब कुछ। जींद में मैम 38,000 वोट आए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अब दिग्विजय और दुष्यंत भी कह रहे हैं कि INLD के वोट BJP को ट्रांसफर हुए हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, मुझे तो ये चीजें मैं नहीं कहूंगी किसके वोट, 54 वोट आए, जितने आए लोगों ने उनको दे दिए, ठीक है BSP के थे इतने तो। हाँ, वो चाहे उनको गिफ्ट मिला हो चाहे कुछ भी मिला हो, मैं कुछ नहीं किसी के लिए कहूंगी, लोगों ने हमें बहुत वोट दिए। मैं ये इतना कहूंगी कि 38,000 वोट बहुत ज्यादा है BJP से। देखो हर, हम भी तो हमारी पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं ना, तो वो अपनी पार्टी का करें, और हर आदमी को अधिकार है अपनी पार्टी का प्रचार करने का। मैं कह रही हूँ ना, हर आदमी को अधिकार है अपनी पार्टी का प्रचार करने का, और चुनौतियाँ इलेक्शंस में हर पार्टी को, हर पार्टी से होंगी। यही है कि आपको जो भी कैंडिडेट मिले जननायक जनता पार्टी का, उसको भारी बहुमत से जिता के बेचो। जो राम सेतु हम लोग बनाने जा रहे हैं, वो जब राम सेतु बनेगा तभी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा।